कि आदमपुर क्षेत्र के जो लोग हैं, मतदाता हैं, वो स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी, चौधरी कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई जी के परिवार के सदस्य के रूप में हैं, उनको चुनौती देने के लिए कोई भी आदमी आज तक कोई आया, आज तक उस वो व्यक्ति सफल नहीं हो पाया जी। और इस इलाके में मैं कांग्रेस पार्टी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, उसको कैंडिडेट भी नहीं मिला यहाँ आदमपुर क्षेत्र का कोई चुनाव लड़ने के लिए। जयप्रकाश के रूप में कांग्रेस पार्टी ने पहले भी एक बार यहाँ चुनाव मैदान में भेजा था, उसकी तमाम चीज़ें, तमाम बातें लोग जानते हैं, और चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने कभी एक दिन भी आकर के इस इलाके की सुध नहीं ली। तो वो लोग बड़े मौके के इंतज़ार में थे और वो चाह भी रहे थे कि किसी अगली बार अगर जयप्रकाश आए तो उसको सबक सिखाने का काम ये आदमपुर के लोग खुद करेंगे जी। एक बड़ा विवाद आ रहा है, जो आपने कहा पिछला चुनाव था उस चुनाव के एक पेट्रोल पंप की बात आई है, पैसों की अदायगी की, कई होटल वालों की, इस तरह के कुछ मुद्दे उछल रहे हैं। नहीं, ये तो उनका पुराना इतिहास रहा है, आप जानते हैं कि मैं नहीं कहता, ये लोग कहते हैं, चाहे नकली नोट की बात हो, चाहे पेट्रोल और डीजल के भुगतान की बात हो, चाहे गाड़ियों की बात हो, या आम पब्लिक कहती है, हम नहीं कहते, पब्लिक कहती। लेकिन उनका ये कहना है कि 11 साल बाद कैसे आए थे, कुलदीप के इशारे पर बोल रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुलदीप बिश्नोई जी के और जयप्रकाश जी के, मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कोई इस प्रकार की लड़ाई, व्यक्तिगत लड़ाई है उनकी? जयप्रकाश जी और कुलदीप जी के बड़े अच्छे संबंध थे, अनेकों अवसरों पर उन्होंने कहा है, परंतु ये राजनीतिक और सियासी बात है। इस प्रकार का जो कुलदीप बिश्नोई पर जो लांछन लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो घबराए हुए हैं और उनको अपनी जो राजनीतिक ज़मीन है वो तलाशने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। भव्य का मुकाबला किससे मान रहे हैं, जेपी से या आम आदमी पार्टी से? मेरी ख्याल तो आज के दिन एक तरफा चुनाव है और मुकाबले की बात मैं किसी के लिए कहूँ तो आज बहुत जल्दी होगी। अभी आम आदमी पार्टी ने जिस दिन नामांकन किया सतेंद्र ने, उस दिन सुशील गुप्ता ने कहा कि भव्य को तो पूरे हल्कों के गाँव के नाम भी नहीं पता है। मैं क्या बताऊं सुशील गुप्ता जी को, आदमपुर क्षेत्र में भव्य बिश्नोई एक एक व्यक्ति का नाम जानता है, गांव के नाम तो अलग बात है। और सुशील जी के उसको चैलेंज है कि वो भी आ जाएं यहाँ पे और भव्य बिश्नोई जी भी आ जाएं, न केवल आदमपुर क्षेत्र बल्कि संसार में अगर किसी देश का, किसी राजधानी का, और आपस में कंपटीशन करा लें कि कौन व्यक्ति किसको ज़्यादा नॉलेज है, कहने से पहले सोचना चाहिए। भव्य बिश्नोई टॉप क्लास स्टूडेंट रहा है अपने स्कूल के काल में, अपने कॉलेज के काल में, अपनी मास्टर डिग्री में, और वो न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है बल्कि सामाजिक कामों में भी, जैसे भजन ग्लोबल के नाम से उन्होंने अपना जो एक कार्यक्रम दिया हुआ है उसमें लगभग 6 लाख लोगों को भोजन प्रोवाइड करने का काम कोविड के समय में किया। इसी तरह से चाहे वो विकलांग बच्चों की बात आ जाए, कानों से कानों की मशीन बांटने की बात आ जाए, इस प्रकार के सामाजिक कार्य वो लगातार न केवल भव्य बिश्नोई बल्कि उनके परिवार के लोग, कुलदीप बिश्नोई जी, रेणुका जी, वो लगातार प्रयासरत रहते हैं, लोगों में रह करके काम करते हैं। और इसके साथ साथ राजनीतिक तौर पे मैं कहूँ तो वो हमेशा हेड बॉय के तौर पे रहे और वो भी 2/3 बहुमत के साथ, मतदान हुआ तो जीते जी। यानी कि आप मुकाबला एक तरफा मान रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं क्या मान रहा हूँ, जनता की आवाज़ है ये जी। और आपने कल नामांकन के समय में देखा होगा अनेकों हजारों लोग आकर के सब लोगों ने समर्थन कर दिया, और आप जानते हैं जो राजनीतिक विरोध में जो जमात खड़ी होती थी वो सारी जमातें, चाहे किसी भी पार्टी की, वो सारी जमातें आकर के उन्होंने अपना व्यक्तिगत तौर पे, पार्टी के तौर पे भी उन्होंने समर्थन देने का जहाँ काम किया है, तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के परिवार का, आदमपुर क्षेत्र के लोगों का, और प्लस में उन पार्टियों का, ये वोट बैंक अभी इकट्ठा हो जाएगा तो सामने वाला प्रत्याशी कोई भी हो जाए और वो तो जमानत भी नहीं बचा पाएगा, ऐसा लगता है। बहुत बड़ी बात कही रणधीर परिहार जी ने कि यदि सभी लोग इकट्ठे हो गए तो आम आदमी पार्टी, जेपी, दूसरे लोग जमानत भी नहीं बचाएंगे पाएंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।